गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अच्छा, सो वी हैव सक्सेसफुली डन लिस्ट फंक्शंस. अच्छा, किसी को डाउट लिस्ट फंक्शंस में? एक्सक्यूज मी सर. यस सर, आपने वो परसों होमवर्क दिया था ना कि एक प्रोग्राम बनाना है. सर, उसमें प्रोग्राम तो बन गया, बट एक डाउट है. हाँ बताओ, क्या डाउट है? सर, मैंने जो प्रोग्राम बनाया ना, वो सिर्फ लिमिटेड के लिए है. उसको मतलब उसमें लिमिट एक्सटेंड कैसे करूं? किस चीज की लिमिट? नंबर ऑफ ऑपरेशंस की? यस सर, मैंने जैसे लिस्ट के जो, मैं एक मिनट आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊं सर. हाँ, मैं आपको अलाउ करता हूँ. वेट फॉर वन मिनट. ओके, नाउ शेयर योर स्क्रीन. ठीक है, इसमें क्या डाउट है? अब डाउट बताओ आपका. इसमें ये जैसे यहाँ पे ये तीन है, तो ये तीन ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको और कैसे मतलब जितने चाहे उतने कर सकते हैं, ऐसा कैसे करूं? ये आप एक काम कर सकते हो, यूजर से पूछ सकते हो हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. तो आप क्या करो, जैसे ये मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाइड करके बता देता हूँ. अच्छा, यहाँ पे आपको डाउट है, ठीक है सर. वैसे तो ये पूरा सही है ना? हाँ सही है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, वो मैं आपको बता देता हूँ. जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, इस तरह के प्रोग्राम्स में क्या होता है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इश्यू हो सकता है आप वाले प्रोग्राम में और उसको आप कैसे प्रिवेंट करोगे. ये सेम चीज़ मैंने आपको स्कूल वाले के अंदर भी बताई थी. अब देखो, जैसे मान लो कोई इनपुट हुआ आपके पास, ठीक है, जैसे ए के अंदर आपने कोई इनपुट लिया, ठीक है. अब ये तो चलो ठीक है, आपने इंट के अंदर ले लिया मान लो, है ना, और यहाँ पे लिखा आपने एंटर एनी नंबर. चलो ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सॉरी सॉरी सॉरी. सर, मैंने तो सिर्फ चॉइस को लिया है इंटीजर में. हाँ, चॉइस मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस मान लो. अब मान लो इसमें किसी ने नंबर एंट्री नहीं किए और टेक्स्ट एंटर कर दिया, फिर आपका तो प्रोग्राम स्टार्टिंग में इस तरह का एरर दे देगा, है ना. इसको प्रिवेंट करने तो के लिए सर, क्या, चॉइस तो इंटीजर ही होगी ना, क्योंकि मैंने ऊपर पहले ही किया है कि प्रेस वन फॉर दिस एंड टू फॉर. हाँ वो किया है, वो तो ठीक है, आपकी बात हुआ है. लेकिन मान लो कोई आपके प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए उसमें टेक्स्ट एंटर कर दे. चलो मैं इसको रन भी करके बताता हूँ आपको. जैसे अपने पास ये वाली लिस्ट है ना, सपोज करो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं यहाँ पे इंट में कन्वर्ट ही नहीं करता हूँ चॉइस को, मैं इसको इसी में रखता हूँ स्ट्रिंग के अंदर ही. यानी वन भी आ रहा है तो वन भी किस में ले रहे हैं, हम स्ट्रिंग के अंदर ले रहे हैं. इसके बेनिफिट्स क्या हैं देखो, अभी मैं इसको रन करके बताता हूँ. अगर किसी ने यहाँ पे कोई टैक्स भी एंटर कर दिया तो ये क्या कहेगा, इनवैलिड चॉइस, ठीक है. आप वाले प्रोग्राम में क्या इश्यू होगा वो मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने यहाँ पे क्या किया, इंट यूज कर लिया मान लो, है ना, ये हमने इंट यूज कर लिया. अब यहाँ पे आपने क्या किया, चलो ठीक है, नंबर्स में कर दिया. नाउ रन इट. अब इस प्रोग्राम में एक छोटी सी प्रॉब्लम है. अगर मान लो चलो पहले चॉइस अपन ने एंटर की, पर्सन ने कुछ भी नंबर ऐड कर दिए, 56 ऐड कर दिया, ओके. अब चॉइस वापस मांगे तो उसने क्या कुछ और लिख दिया, जैसे कि हेलो ही लिख दिया उसने, तो अपना प्रोग्राम तो ये एरर दे गया, है ना. हमारा प्रोग्राम ऐसे रुकना नहीं चाहिए, वो कुछ भी टाइप करे उसका रेस्पॉन्स हमारे प्रोग्राम को करवाना है. इसलिए हम क्या करते हैं, आप जो इसको है इसको इंटीजर में ना करके इसको नॉर्मल इनपुट में रखो,
अगर वन भी एंटर कर रहा है तो इसी फॉर्म में आएगा, टू एंटर कर रहा है तो इस फॉर्म में आएगा, थ्री एंटर कर रहा है तो इस फॉर्म में आएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो कुछ भी एंटर करे, चाहे नंबर एंटर करे, कुछ भी एंटर करे, आपका प्रोग्राम क्या है रन होगा, क्या कहेगा, इनवैलिड चॉइस, जब तक करेक्ट चॉइस यहाँ पे एंटर नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो ये, इसलिए हमने यहाँ पे क्या इंटीजर यूज नहीं किया है। और मैं आपको भी ये कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम बनाओ ना, तो आप चलो वन भी ले रहे हो एज ए चॉइस में, तो वन को इस तरीके से डिक्लेयर कर दो यहाँ पे कंडीशन में, इसका बेनिफिट ये कर दिया, कर दिया ना। दूसरी चीज आपने कही है कि भाई यहाँ पे मान लो अगर पर्सन को एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, लिमिट आपको एक्सटेंड करनी है, कैसे करोगे? सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यूजर से ये पूछो इनपुट, जैसे आई की वैल्यू ले लो, अब ये वैल्यू इनपुट में लेनी है हमको, सॉरी इंट में लेनी है ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये नंबर में है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि पहले ये चेक कर सकते हो कि वैल्यू प्रॉपर नंबर में है या नहीं है। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो, इज डिजिट, इज डिजिट यूज कर सकते हो। चलो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हम एक काम करते हैं, इसको इंट में ले लेते हैं, इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आपको कितने एलिमेंट एंटर करने हैं उसके आप यहां पे एंटर करवा लो, फिर क्या करो एक फॉर लूप चलो, ठीक है, आई नहीं इसको के कर देते हैं, इन आई इसको रेंज आई कर दो, एन माइनस वन तक चलेगा, यानी कि अगर ये थ्री है तो ये जीरो से लेके टू तक चलेगा, यानी थ्री टाइम्स चल जाएगा। अब हर बार क्या होगा, ये आपसे एलिमेंट पूछेगा, अब कौन सा एलिमेंट पूछेगा, इसको कर दो इसके फोर के अंदर। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये वाला पूछे कि कौन सा वाला एलिमेंट करते हो, एंटर द एंटर एलिमेंट वन, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ एंटर यहाँ पे लिखते हैं एंटर कॉमा आई एलिमेंट, दैट्स इट। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, तो इसमें मैं काम करता हूँ प्लस वन कर देता हूँ, ताकि ये क्या है, नहीं तो जीरो बताएगा स्टार्टिंग में कि जीरो वाला एलिमेंट अपन एंटर कर रहे हैं, फिर वन वाला, तो ये जितने एलिमेंट दिए उतने एलिमेंट यहाँ कर देगा। चलो इसको रन करके देखते हैं, रन करते हैं, ठीक है, ऐड की वैल्यू, कितने एलिमेंट डालने, आपने कहा मुझे थ्री एलिमेंट्स चाहिए, एक मिनट को एक्सपेक्टेड कहाँ पे दिक्कत आ गई, अच्छा इसको इंट में नहीं किया कि हमने, अरे यार आई नहीं किया आएगा यहाँ पर, ठीक है रन करते हैं। इनपुट एक्सपेक्टेड वन मोर आर्ग्यूमेंट, ओहो ये तो हमें उसके लिए करना है ना, क्या दिक्कत हो गई भैया, चलो देखते हैं अभी तो की करते हैं इसको एक बार, वन मोर एलिमेंट कहाँ पूछा इसने, टाइप एरर इनपुट एक्सपेक्टेड एट वन आर्गुमेंट गॉट थ्री, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, चलो इसको वापस से रन करते हैं एक बार, ठीक है, कितना एलिमेंट्स चाहिए, थ्री एलिमेंट्स चाहिए। अब क्या इशू आ गया, मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया क्या आपको, के टाइम से तो चलेगा, चलो एक बार इसको के को अभी रिमूव करते हैं एक बार, वैसे रन करके देख, अरे यार ए भी तो ठीक है,
ठीक है चलो रन करते हैं। टू एलिमेंट्स, सबसे पहले वन एलिमेंट टू एलिमेंट एंटर, अब इसको व्यू करते हैं। जैसे टू से शो डेटा, टू एलिमेंट्स आ गए, वापस से वन एंटर करते हैं। अब एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइव एलिमेंट, तो यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इसको करते हैं टू से। देखो ये इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो कितने एलिमेंट्स आपको एंटर करने हैं। अब यहाँ पे सर जो एक है, सेकंड इसको ओपन करके रखना, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो है एलिमेंट अपन यहाँ से एंटर करवा रहे हैं, बस आपको फोर लूप यूज करना है। यहाँ पूछ लो कितने एलिमेंट एंटर करने हैं, उतने एलिमेंट उतने टाइम से लूप चला लो, और ये लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, दैट्स इट, इतना ही है इसके अंदर। तो इसमें आपने क्या क्या चॉइस रखी, वैल्यू को ऐड कर सकते हो, शो कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, और एग्जिट कर सकते हो फोर से, तो ब्रेक लगा दो, दैट्स इट। आप जो भी प्रोग्राम बनाओगे उसका कॉन्सेप्ट चॉइस बेस का ऐसा रखा करो, वाइल ट्रू, उसके बाद में लास्ट में एग्जिट रखो, और एग्जिट के अंदर ऑलवेज ब्रेक, और एल्स के अंदर हमेशा रखो इनवैलिड चॉइस, एल्स में कभी ब्रेक मत रखना, अदरवाइज अगर उसने कुछ और टाइप कर दिया रादर देन दीज वैल्यूज तो क्या होगा, डायरेक्टली एग्जिट कर देगा प्रोग्राम को। ये लिस्ट बेस वाला प्रोग्राम है, यस सर, मैंने एल्स में तो सिर्फ प्रिंट इनवैलिड चॉइस और एक चॉइस फोर रखी है जिसमें वो एग्जिट कर सकता है यूजर। बस दैट्स यही करना है हमें, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हम इतने जो एलिमेंट है इजीली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इससे रिमूव भी कर सकते हो आप। सो ये जो फाइल है, मैं देखता हूँ कहाँ सेव की है मैंने ये, ओ ये तो काफी वो है। चलिए फाइल में आपको सेंड भी कर देता हूँ, इसको मैं सेवेज कर देता हूँ, सेवेज ए कॉपी डेस्कटॉप, ठीक है। लिस्ट फंक्शन ये मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ चैट से, आप चाहो तो इसको ट्राई करके देख लेना फाइल को, डेस्कटॉप एंड लिस्ट फंक्शन, आई होप आपको मिल गई होगी, मैंने सेंड कर दी सबको। अच्छा ये तो होमवर्क वाली बात होगी कि होमवर्क हमें परफॉर्म करना था। अब ये बताओ इसके अंदर किस किस को डाउट है, अभी ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हो इसमें किस किस को डाउट है, सबका क्लियर है? अरे आई और ये के क्या है पता नहीं। की क्या है, देखो और सर ये हम ये चीज हम रिमूव वाले में और ऐड वाले में भी कर सकते हैं ना। हाँ डेफिनेटली, भाई जितने एलिमेंट आपको रिमूव करने हैं उतने आप वन बाय वन एलिमेंट एंटर करते जाओ, रिमूव करते चलेगा, और अगर मान लो उसमें वो एलिमेंट है ही नहीं तो वो क्या करेगा, नहीं तो या तो वो क्या करेगा, अगर इसका जो प्रोसीजर है एरर है तो एरर देगा, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस प्रोग्राम में हो क्या है। देखो सबसे पहले आपने क्या है, एक नई फाइल लेते हैं, उस पर सारा प्रोसेस वापस से करते हैं, इसको तो करते हैं क्लोज। देखो ये अब पूरा प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ वापस से, आप अच्छे समझना। एक्चुअली हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे चॉइसेस दी प्रिंट, आपने लिया वन किसके लिए, ऐड डेटा, ठीक है ये तो हो गया फर्स्ट। उसके बाद में प्रिंट किया आपने टू किसके लिए, व्यू डेटा, अभी दो ही चॉइस करते हैं हमें ना। अच्छा किस में करनी है, लिस्ट के अंदर करनी है, तो एक ब्लैंक लिस्ट यहाँ पे रख देते हैं, या आपने देख, या तो देखो ऐसे क्रिएट कर दो, ठीक कमेंट में कर रहा हूँ, या फिर ऐसे लिस्ट वन, और यहाँ पे लिस्ट ऐसे, ये लिस्ट वन एक्चुअली अपना है ना, दोनों मेथड आपके प्रॉपर है, या आइदर यू कैन यूज दिस और दिस, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो। अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट चॉइस एंटर करवाते हैं, तो यहाँ पे एक चॉइस लेते हैं इनपुट एंटर योर चॉइस, ठीक है। अब आपने क्या, उसने अगर मान लो वन एंटर किया तो आप क्या करोगे, इफ, तो यहाँ पे भी इफ वाले कॉन्सेप्ट यूज करना, इफ द यूजर प्रेस चॉइस, कितनी प्रेस करे वन, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले एक वैल्यू को इनपुट लेना है, एंटर द वैल्यू, और फिर इसको क्या करना है आपको
अपेंड वाला फंक्शन यूज करना है, कैसे, लिस्ट वन डॉट अपेंड, और अपेंड में इस ई वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, ये इसको हम कर देते हैं टेस्ट लिस्ट के नाम से। अब ये फंक्शन भी मैं आपको शो कर देता हूँ, ये फंक्शन कहाँ है जो हम यूज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है, सारे फंक्शन यहाँ गिवन है। एक्सक्यूज मी सर, यस, ये देखो ये अपेंड फंक्शन आ गया ना, इसी को यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा वैल्यू अपन उसमें ऐड कर देंगे लास्ट पॉइंट पर, तो ये अपेंड कर दिया, ठीक है। सेकंड वाला क्या है अपना, एलिफ, अगर चॉइस यहां पर, अभी कोई लीव मत करना, मैं अटेंडेंस लूंगा, है ना, एक बार प्रोग्राम कर लें पूरा फिर करते हैं ना, इक्वल्स टू चॉइस कितनी हो गई, टू हो गई, तो क्या करवाना है, डेटा को शो करना है, तो आप क्या करो, प्रिंट लिस्ट वन, दैट्स इट। अच्छा अब इसको रन करते हैं, रन किया, देखो इसको रन करते हैं, अच्छा प्रोग्राम रन हो गया, आपने डेटा ऐड किया वन, कुछ भी वैल्यू ले ली थ्री, प्रोग्राम तो एग्जिट हो गया, अब मुझे फिर से रन करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन एक ही है, और सॉल्यूशन क्या है, वी कैन यूज लूप, और लूप में भी कौन सा, विच लूप, व्हाइल लूप। तो देखो ये तो आपने ब्लैंक लिस्ट डिक्लेयर की, इसको तो स्टार्टिंग में रहने दो, इसके बाद क्या यूज करो, व्हाइल यूज कर लो, और व्हाइल को कर दो ट्रू, ठीक है। चलो रन करें इसको, सॉरी इंडेंट हमें देना पड़ेगा, तो इसको अपन सेलेक्ट करके एक टैब प्रेस कर देते हैं, तो इसके अंदर का ब्लॉक बन गया, इसको रन करते हैं। अच्छा डेटा को ऐड करते हैं, वन किया और 23, चेक करें यहाँ पे चॉइस टू की, देखो डेटा आ गया ना 23, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई, कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम होगी सर? यहाँ पे सर अगर हम जब दूसरी वो डालेंगे तो वो तो कॉमा में आएगी नहीं, कॉमा से सेपरेट होके आई नहीं थी मेरे में, तो देखो दूसरी वैल्यू ऐड करते हैं हम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वापस से वन एंटर किया और अब 45 ऐड करते हैं और डेटा को व्यू करते हैं, देखो आ गया ना 23 45। सर मेरे में तो ऐसा हो ही नहीं। आपने फंक्शन क्या यूज किया, अपेंड यूज किया है क्या? यस सर अपेंड यूज किया, तो डेफिनेटली आएगी है। आप प्रिंट के अंदर लिखो प्रिंट लिस्ट वन, ये देखो डेटा जिस फॉर्मेट में सेव होगा उसी फॉर्मेट में शो हो जाएगा। चलो अभी आपका एक बार वो स्क्रीन पे देख लेंगे, स्क्रीन शेयर कर देना। अच्छा अभी ये बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर हम एक बार में एक ही वैल्यू एंटर कर, वो तो ठीक है, बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि अब ये प्रोग्राम एंड होगा ही नहीं, ये चलता ही जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं, तो इसको एंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एग्जिट पॉइंट लगाना होगा, कहां पर, लास्ट में। तो यहां पे आपने किया प्रिंट, अभी चॉइस एक काम करते हैं थ्री कर देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे इसको, तो यहां कर देते हैं एग्जिट थ्री, किसके लिए, एग्जिट के लिए। नाउ अब थ्री वाली यहां पे यूज करते हैं, एलिफ सी एच इक्वल्स टू थ्री, तो क्या कर दें, ब्रेक और एल्स इनवैलिड चॉइस, ये लो ये इनवैलिड चॉइस। अब रन करें इसको, अगर आपको मान लो कुछ काम, जैसे वन डेटा आपने ऐड कर दिया 23 ऐड कर दिया, व्यू कर लिया, अब आपको एग्जिट करना है तो थ्री प्रेस कर दो, एग्जिट हो गए, अभी छोटा सा प्रोग्राम बना। अब इसमें एक काम और करना है, वैल्यू को रिमूव भी करना है हमें, तो रिमूव के लिए एक फंक्शन और बनाओ, प्रिंट थ्री पे अब हम कर देते हैं रिमूव डेटा, ठीक है, तो यहाँ पे फोर पे एग्जिट हो जाएगा अब, ठीक है, तो इसको फोर कर देते हैं, फोर पे एग्जिट कर दिया। नाउ एलिफ अगर चॉइस हो जाए कितनी, थ्री हो जाए, तो क्या करना है आपको, रिमूव करना है, तो सबसे पहले आप वो एलिमेंट इनपुट करो, इनपुट एंटर द वैल्यू और क्या कर दो, लिस्ट वन डॉट रिमूव, और जो भी वैल्यू उसको रिमूव कर दो, दैट्स इट फिनिश। तो इसको अब रन करके देखते हैं,
रन किया, सबसे फर्स्ट हमने ऐड की, वापस से ऐड कर रहा हूं, दो वैल्यूज हो गए अपने पास, चेक करते हैं, दो वैल्यूज हो गए, रिमूव करना है 45 को। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिमूव वाला फंक्शन यूज करके देखेंगे। तो रिमूव के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे थ्री प्रेस किया, हमें रिमूव करना 45, एंटर किया। अब चेक करते हैं लिस्ट को, देखो 45 रिमूव हो गया, सिर्फ 23 है। यहां तक किसी को डाउट है तो आप बताओ इस प्रोग्राम में। नो सर। अब जैसे लोचन ने कहा कि हमको यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जैसे यहाँ पे ले लिया आइटम्स, आइटम्स एक वेरिएबल ले लिया, इनपुट इसमें इंट में लेंगे इनपुट जो है, एंटर द आइटम्स नंबर, ठीक है। जैसे मान लो उसने 3 एंटर किया, 4 एंटर किया, कुछ भी एंटर किया, तो आप उतने टाइम लूप चला दो, 4 आई इन रेंज आइटम, और ये दोनों ब्लॉक को किसमें ले लो, इसके इनसाइड ले लो, एक बार टैप प्रेस कर दो तो अपने आप चले जाएंगे। और किसी को दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, बैक स्पेस यूज करना और एंटर प्रेस कर देना, दैट्स इट, वो इसके नीचे आ जाएगा इंडेंट में ऑटोमेटिक। अब ये जितने एलिमेंट आप चाहते हो वन टाइम में, वो सारे एलिमेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा, रेंज वाला कॉन्सेप्ट है, ये 0 से स्टार्ट होगी और n माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट है, 5 है तो 0 से 4 तक चलेगा, तो टोटल 5 टाइम्स ही चलेगा ये। अब रन करते हैं और इसमें कुछ एलिमेंट एंटर करते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट चॉइस नंबर 1 लिया हमने, और मैं इसमें 4 एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ, तो हम एक काम करते हैं, ये एंटर हो गए, व्यू करें, ये देखो डेटा चला गया। आप रिमूव करना है 4 यूज करो, सॉरी 4 नहीं 3, हम रिमूव करते हैं 88 को। नाउ अब डेटा को व्यू करते हैं, ये मेरे को इसकी स्क्रीन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ साइज, ताकि आपको व्यू हो जाए। अच्छा देखो अब डेटा को व्यू करते हैं, 2 एंटर करो, ये देखो यहाँ से क्या हो गया, 88 रिमूव हो गया, पहले 88 यहाँ था, अब देखो 88 यहाँ से रिमूव हो गया, दैट्स इट। यही तो प्रोग्राम है अपना, इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना सीखोगे ना अभी, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर मेरा ऐसे तो हो ही नहीं रहा। चलो आप एक काम करो, मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। अरे 2% कौन लीव करके भाई, ऐसे तो कैसे चलेगा। चलो एक बार अटेंडेंस सेव कर लेते हैं, एक मेरे को एक पर्सन ने वापस ज्वाइन किया है, ओके डन। अच्छा मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए, ठीक है, आपने स्क्रीन शेयर करो और बताओ क्या इश्यूज आ रहे हैं। देखो ठीक है, लिस्ट के लिए कर दिया, 4 वाला भी यूज कर लिया, चल गया ऑफ। आप जब प्रिंट कर रहे हो, सर ये तो अब हो गया, पहले तो हो ही नहीं रहा था, देखो सर पहले तो ऐसे हो रहा था। कैसे हो रहा था, अरे पहले ऊपर वाला। अरे यार अब मैं क्या बोलूं इसके लिए, अब हो गया ना, देखो हो रहा है ना आपके यहाँ पर, ये देखो हो रहा है सर, अब तो हो रहा है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और किसी को डाउट है, ये देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप बताओ, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं अभी, चले आगे। Yes, देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये लिस्ट समझ में नहीं आ रही कि लिस्ट क्या है, तो डेटा टाइप्स पढ़ लेना जिसको डाउट है। अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही स्टेटमेंट में, तो एक बार फोर लूप वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, फिर भी डाउट हो तो बता देना। अपेंड वाला फंक्शन हमने किया है, रिमूव वाला भी हम कर चुके हैं। चलो ये तो बात हो गई किसकी, आपकी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इंडेक्स वैल्यू के थ्रू रिमूव करना हो किसी एलिमेंट को,
तो यहाँ पे यूजर कैसे कर सकता है, बताओ, ये क्वेश्चन है आपके लिए आज, इसको ट्राई यूज करेंगे। नहीं, यूजर को कैसे पता चलेगा भाई, सारे यूजर तो अपनी तरह नहीं है ना, जो पाइथन पढ़ के हैं, जिनको पता हो कि इंडेक्स वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, उनको ये थोड़ी पता है, उनको तो बस ये, उनके सामने तो सॉफ्टवेयर है, उनको तो सिर्फ यहाँ पे कीज प्रेस करनी है और उनका काम होना चाहिए, जैसे ये वाला सॉफ्टवेयर। अब वो ये, उनको ये नहीं पता इसमें क्या हो रहा है, उनको तो कि हाँ हमने डेटा एंटर किया और यहाँ पे हमारा काम हो रहा है, दैट्स इट, इतना सा है। तो आज ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये करना और करके फिर कल बताना। अच्छा चलो, आज अपन टपल वाला स्टार्ट करते हैं, अगर आपको लिस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। टपल वाला मेथड भी बिल्कुल इजी है देखो, टपल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इस तरह से ये मेथड्स गिवन है, ये टपल एमपीटी है, ये वाला क्या है, इसमें वन मेंबर है, इसमें इंटीजर्स हैं, इसमें फ्लोट हैं, इसमें आपके कैरेक्टर्स हैं, ये मिक्स वैल्यू है और ये आपकी स्ट्रिंग है। आपको अच्छे, कल क्या करवाया था, कल टपल्स की थी अपन ने, क्या किया था, टपल ही कर रहे थे, टपल्स करी, कहाँ तक हो गई थी टपल्स। अच्छा अनपैकिंग बतानी थी आपको, हाँ अच्छा अच्छा चलो फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो टपल्स डिक्लेयर करने के मेथड्स होते हैं, अगर आप कोई टपल यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ पे एक बार आइडियली को रन करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। अगर देखो कोई टपल बनानी है आपको, तो टी वन लिया हमने और यहाँ पे, या तो ऐसे बनाओ, इसका मतलब भी ब्लैंक टपल होता है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का मीन सेम ही है, दोनों की वैल्यू बराबर ही है। अगर आप ऐसे करते हो जैसे वन, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हो गया, बट अगर आपने यहाँ पर वन कॉमा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, टपल बन जाएगा, ठीक है, कॉमा लगते क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पर वन कॉमा टू कॉमा थ्री इस तरह भी मेंशन किया तो भी इसको टपल ही समझो, ये क्या हो गया, टपल बन गया। अच्छा अब अनपैकिंग की बात करते हैं, अनपैकिंग करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये समझो कि एक कार्टून है, ये एक बॉक्स है और इसमें कुछ बॉल्स रखी हुई है, ठीक है, सबसे पहले ये ग्रीन वाली बॉल सबसे ऊपर रखी हुई है, ये है नंबर वन, इसके बाद है आपकी पिंक, ये हो गया टू, इसके बाद में ऑरेंज, ये वाली हो गई थ्री, और फिर नेक्स्ट हो गया आपका ब्लू। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना, समझो कि यहाँ पे आइडियली मैं ओपन करता हूँ और अनपैकिंग अप करते हैं। सो मैं टपल डिक्लेयर कर रहा हूं टी वन, वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर, ये जो बॉल्स हैं ये आपका डेटा है समझ लो। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर अलग अलग वेरिएबल्स लूंगा, एक्स वाई जेड ले लूंगा या ए बी सी डी ले लूंगा, जो भी है। तो हम एक काम करते हैं, ये समझो कि एक बड़ा बॉक्स है। अब अनपैकिंग में क्या होगा, हर एक आइटम को इंडिविजुअल बॉक्स में रख दोगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम कौन सा लेते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट वाला बॉक्स ये है, एक मिनट को इसको रिमूव करते हैं, राइट से, ये सबसे फर्स्ट वाला बॉक्स है, फिर सेकंड वाला बॉक्स है, फिर थर्ड और ये फोर्थ। आज एक काम करते हैं, सबसे फर्स्ट में एक का, अगर ये बॉक्स आपके पास हो और आप इसको ओपन करते हो, तो सबसे पहला आइटम कौन सा निकलेगा, कौन से कलर की बॉल निकलेगी, ग्रीन कलर की निकलेगी। तो ये वाला फर्स्ट है मान लो, तो हमने क्या कि ग्रीन कलर की बॉल को निकाल करके और यहाँ पर इसमें पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दिया, ये वन आ गया। अच्छा फिर उसके बाद सेकंड नंबर की कौन सी है, पिंक वाली है, तो ये पिंक वाली को निकाल करके और सेकंड वाले में पुट कर दिया इस तरीके से। फिर थर्ड वाली है, तो थर्ड वाली को हमने निकाल करके थर्ड वाले बॉक्स में पुट कर दिया, और लास्ट जो है फोर, उसको हमने क्या किया, यहाँ से निकाल करके और इस वाले में पुट कर दिया, दैट्स इट।
अच्छा अब आप सोचेंगे कि भाई आखिर ये क्या हुआ है, तो समझो कि ये वो बॉक्स है जिसमें एलिमेंट रखे हुए हैं, और ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये वो फोर इंडिविजुअल बॉक्सेस हैं जिसके अंदर हमें ये डेटा शिफ्ट करना है। अच्छा तो अगर अब इसको हम देखें तो सपोज करो ये ए है, दिस इज बी सी एंड डी, और ये क्या हो गया आपका T1। तो अब आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या हुआ होगा। इस अकॉर्डिंग मुझे सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए वहां पर, उस टपल वन के अकॉर्डिंग 3। थ्री होनी चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर सी को प्रिंट करोगे, देखो थ्री है, ए को प्रिंट करोगे तो वन होगा, और बी को प्रिंट करोगे टू होगा, और डी को प्रिंट करोगे तो लास्ट वैल्यू। ये होती है अनपैकिंग, यानी कि एक सूटकेस में से निकाल करके इनको अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया, दैट्स इट। यही क्या है आपकी अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग बोल दो, वैसे तो अनपैकिंग बोलो, क्योंकि ये सारा पैक करके एक ही सूटकेस में रखे हुए थे सब, और हमने क्या इंडिविजुअल बॉक्सेस में इसको शिफ्ट कर दिया, तो यही क्या होती है अनपैकिंग होती है। सर अभी इनको वापस पैक करना हो फिर कैसे करेंगे? पैक तो कैसे, वो तो फिर डायरेक्टली आप करोगे ना, जैसे मान लो T4 है, ठीक है, अब आपने ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी लिया, एंटर किया, तो देख हो गई पैकिंग। ये लो भाई इनको उठा के वापस डाल दो भाई, जैसे मान लो पहले फर्स्ट वाली रखी तो फर्स्ट वाली, लेकिन इसमें क्या होता है पहले लास्ट वाली को उठा के रखेगा ये, है ना, यानी कि सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू को हमेशा फर्स्ट वाले में भेजता है, सेकंड वाली वैल्यू को सेकंड में भेजता है, इस तरह से समझना। ये समझो लास्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब मैं इसको अगर उल्टा करता, इसे वन वाला नीचे रखता तो हो सकता थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन कोई नहीं, समझाने के लिए किया है ये। तो ये हो गई इसकी पैकिंग हो गई, और ये ऊपर क्या हो गई अनपैकिंग हो गई, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो इसने क्या किया, इस अकॉर्डिंग जमा दिया। चलो और बताओ इसमें क्या डाउट है, ये है आपकी अनपैकिंग। सर ये रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे ना अनपैकिंग हमेशा? देखो ये तो मैंने डायग्राम के थ्रू करा है ना, हमेशा जैसे मान लो इसमें फर्स्ट एलिमेंट डिक्लेयर किया है ना, वैसे ही एलिमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करो, सेकंड वाला जो सेकंड जगह आएगा, थर्ड वाला थर्ड, जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसी ऑर्डर में यहाँ पे आएगा। ये तो मैंने एक आपको जर्नलाइज कॉन्सेप्ट में बताया कि हाँ इस तरीके से अपन अनबॉक्सिंग करते हैं, तो ऐसे रखते हैं, जबकि आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट यही है, फिर सेकेंड एलिमेंट ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, है ना, इस तरह से करते हैं। आप ये समझो कि सबसे फर्स्ट क्या हुआ, नीचे से जाना स्टार्ट हुआ एलिमेंट, ऊपर पहुंचा, फिर सेकंड वाला गया, सेकंड यहाँ पहुंचा, थर्ड वाला फिर इसके नीचे, फोर्थ वाला इसके नीचे, ऐसे देख लो इसको। तो भी वही बात है, सबसे पहले कैसे ग्रीन वाला गया, ठीक है, यहाँ से गया और कहाँ पहुंच गया, ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, पिंक वाला एलिमेंट यहाँ से गया और फिर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे चला गया, और फिर लास्ट एलिमेंट ये यहाँ पर ये पहुंच गया, दैट्स इट। इस तरह से ये अनपैकिंग और पैकिंग का कॉन्सेप्ट है जो वहां पे गिवन है। आप अनपैकिंग समझने में ये इजी है, भैया क्या है, फर्स्ट वाले एलिमेंट को रख के यहाँ रख दिया, सेकंड वाले को रख के यहाँ रख दिया, दैट्स इट, ऐसा किया है। नहीं तो इसको हो सकता है अपन दूसरे तरीके से बना सकते, अगर मैं देखो सेम ऐसे ही बनाता तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलता इनमें, इसलिए मैंने पूरा एक बंच बनाया इसका। ये हो गई अनपैकिंग। अच्छा अब बताओ अनपैकिंग के अंदर किसी कोई डाउट, सर ठीक है, तो ये है आपकी अनपैकिंग। तो ये तो सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट है, मे बी पॉसिबल है कि ये कभी आपसे पूछ लिया जाए, बहुत ही रेयर केस है जब आपसे पूछा जाएगा, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा ये तो अनपैकिंग कर लिया अपन ने, MPT भी क्रिएट और सिंगल तो है ही, और ये वाला भी ट्राई कर लिया, ठीक है। अब देखो ये जो ये वाले कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है, जैसे कोई आपने स्ट्रिंग लिया या कोई लिस्ट लिया, तो अभी हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, आपने T1 के अंदर एक स्ट्रिंग लिया जैसे कि जयपुर, ये क्या करेगा हर एक कैरेक्टर को सेपरेट कर देगा अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, ये देखो जैसे लिस्ट करता है। और अगर आपके पास कोई लिस्ट है, या जैसे मान लो आपको नंबरिंग का करना है यहाँ पे टपल में, तो T1 के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे टपल रेंज
फोर तक चाहिए जीरो से, तो देखो टी वन ये देखो जीरो से लेके थ्री तक, एन माइनस वन का कॉन्सेप्ट चलता है रेंज के अंदर उसके अकॉर्डिंग। अगर कैसे लिस्ट को कन्वर्ट करना है टपल में, तो सबसे पहले एक लिस्ट वन हम क्रिएट कर देते हैं, वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा फाइव। अब टी वन के अंदर हम इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर देते हैं, लिस्ट वन एंटर, ये लो ये लिस्ट हमने यहां डिक्लेयर की और ये देखो यहां पे टपल में कन्वर्ट हो गई, दैट्स इट। तो ये होता है कन्वर्जन। आप चाहो तो इस टपल को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, बस यहां पे क्या करना लिस्ट यूज कर लेना इंस्टेंट ऑफ टपल, तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा, दैट्स इट। तो इनमें सिमिलरिटी है, जो फंक्शंस आपने वहां किए हैं लिस्ट के लिए सेम फंक्शन यहाँ पे होंगे। चलो यहाँ पे अच्छा वो डेल वाला मैं बता रहा था आपको, मैंने कहा था कि वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, यहां से करते हैं लिस्ट के लिए। हाँ लिस्ट में हम बताना था, तो देखो एक लिस्ट डिक्लेयर की हमने लिस्ट वन, उसमें आपने कोई भी एलिमेंट रख दिए, ओहो इक्वल्स टू का साइन तो लगाया नहीं, सॉरी, ओके डन। तो अपनी जो लिस्ट वन है वो ये वाली है। अच्छा देखो रिमूव क्या करेगा, देखो नहीं क्लियर क्या करेगा पहले देखना, क्लियर से बताता हूं। अगर आपने लिस्ट वन डॉट क्लियर यूज किया तो क्या होगा, लिस्ट वन बिल्कुल क्या हो गई, ब्लैंक हो गई। बट अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर अब आपने डेल यूज कर लिया तो पता क्या होगा, इसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी इसने, मतलब इसको मेमोरी से रिमूव कर दिया। यहां पर लिस्ट वन के नाम से कोई वेरिएबल या कोई लिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। दूसरी चीज ये है रिमूव और डेल में डिफरेंस, ठीक है। तो रिमूव क्या करेगा, जैसे आपके पास ये लिस्ट है लिस्ट वन, ये लिस्ट है, अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना है फॉर एग्जाम्पल वन, क्या करोगे, लिस्ट वन डॉट रिमूव वन, वन रिमूव हो गया देखो स्टार्टिंग में। अब देखो डेल का कमाल, डेल लिस्ट, मैंने कहा था पूरी रेंज आप डिलीट कर सकते हो, कहां से कहां तक डिलीट करना है, जैसे ये जीरो हो गया, वन टू थ्री फोर, फोर से लेकर के फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन तक कर दें, तो देखो यहां पे रखो फोर कॉलन सेवन, एक रुको क्या दिक्कत हुई इसमें, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी लिस्ट वन लिखना था इसमें, लिस्ट वन लिखना था, लिस्ट लिख दिया हमने डायरेक्टली लिस्ट वन, एंटर करते हैं। आप देखो लिस्ट वन जो डेटा आपने यहां से डिलीट किया था, ये तीन देखो रिमूव हो गए ना, तो मल्टीपल आइटम एक साथ रिमूव कर सकते हो यूजिंग द डेल। तो ये फर्क है डेल और क्लियर में, डेल और रिमूव के अंदर, इसका कंपैरिजन दोनों से कर सकते हो। सर, yes? सर अगर हमें एक छोड़ के एक करना है तो एक छोड़ के एक करना है तो यार फिर तो यहाँ पे स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जिसमें आप क्या करो स्टेप वैल्यू यूज कर लो, टू जैसे स्टेप वैल्यू टू कर लो, स्टेप वैल्यू थ्री कर लो, तो स्टार्टिंग करेगा उसमें टू प्लस करेगा उसके आगे, फिर ऐसे वन बाय वन छोड़ के कर देगा वो, है ना, वो भी आप यूज कर सकते हो। चलो अभी 11:40 हो गए, यस सर, ये जो डेल और रिमूव लिस्ट वाला डेल और रिमूव का जो कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रिंग